हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल एनआईयूएस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएस के एडमिशन के बारे में, क्लास टेंथ या फिर क्लास ट्वेल्थ के एडमिशन की। तो एडमिशन का जो है क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, लास्ट डेट क्या है और क्या आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि एडमिशन लेने का प्रोसेस हमें बता दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एनआईएस बोर्ड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और साथ पढ़ाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको सारी ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहां से मिलती रहें। एंड हाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो आल्सो। अगर आप एनआईएस बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, आप क्लास टेंथ या फिर ट्वेल्थ में हैं, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखें, जहां पर आपको ढेरों स्टडी मटेरियल मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सारी चीजें आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एनआईएस के एडमिशन की। सबसे पहले कि अभी जो एडमिशन चल रहे हैं उन बच्चों के एग्जाम कब होंगे, ठीक है, वो बच्चे कब अपीयर होंगे। तो देखो बच्चों, अभी जो आपके एडमिशन चल रहे हैं वो बच्चे इसी साल यानी सेशन 23 के अंदर अक्टूबर में अपीयर हो जाएंगे। उनके जो एग्जाम हैं वो इसी साल अक्टूबर में कंडक्ट किए जाएंगे और लगभग दिसंबर तक आप लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब कौन बच्चा जो है एडमिशन ले सकता है एनआईएस बोर्ड से, तो आप क्लास टेंथ या फिर ट्वेल्थ में एडमिशन ले सकते हो एनआईएस बोर्ड से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पहले पढ़े हुए हो या फिर आप किसी वजह से फेल हो गए हो, है ना, या फिर किसी रीजन की वजह से आपकी पढ़ाई लंबे टाइम से छूट गई हो, तो डोंट वरी, आप क्लास टेंथ या फिर ट्वेल्थ में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्लास टेंथ या फिर ट्वेल्थ में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है, और आप एडमिशन कहाँ से कराएं, इजी तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले जो आपके क्लास टेंथ के डॉक्यूमेंट हैं बच्चों, वो हैं आपके, अगर आपको टेंथ में एडमिशन लेना है तो आपको क्लास एट्थ या फिर नाइन्थ की टीसी चाहिए, चाहे वो पास की हो या फिर फेल की। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, तो टीसी और आधार कार्ड, ये दो जो है डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और अगर आपको क्लास ट्वेल्थ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्लास टेंथ की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड, तो जस्ट ये सिंपल से डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं अगर आपको एडमिशन लेना है। तो आप जब एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद जो आपके एग्जाम होंगे वो इसी साल अक्टूबर में कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि इसकी लास्ट डेट क्या है। अभी आज से लेकर के 28 फरवरी तक आपकी जो है एडमिशन हो जाएगा, लेकिन लेट फीस लग रही है क्योंकि विदाउट लेट फीस ऑलरेडी टाइम खत्म हो चुका है। तो 28 फरवरी से पहले पहले अगर आप एडमिशन कराते हो तो उसमें आपका 400 लेट फीस लगना है। उसके बाद अगर 1 मार्च से 15 मार्च के बीच आप एडमिशन कराते हो तो उसमें आपका 700 लेट फीस लगेगा, और 15 मार्च के बाद आपके एडमिशन फिर बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है अगर एडमिशन लोगे भी तो वो फिर आप अप्रैल 24 में अपीयर हो पाओगे, ठीक है। तो इस साल के एडमिशन फिर आपके हो जाएंगे खत्म। तो अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो वेट मत करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और अभी आपकी 400 लेट फीस है और उसके बाद आपकी 700 लग जाएगी। सो विदाउट लेट फीस, मतलब और ज्यादा लेट फीस आपकी ना लगे, इससे पहले आप जो अगर एडमिशन कराना चाहते हो या फिर अगर आपका कोई भाई बहन कोई रिलेटिव एडमिशन कराना चाहता है तो इजीली आप एडमिशन करा सकते हो। एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन मोड पर होता है। अब इसके बाद एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि एडमिशन हम कैसे लें, कहाँ से कराएं। तो बच्चों जब बात आ जाती है एनआईएस बोर्ड की, तो एनआईएस बोर्ड में बच्चे एडमिशन करा लेते हैं, लाइक कहीं साइबर कैफे से करा लिया या खुद से बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो उसमें क्या होता है कि काफी सारे मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, जिससे आपकी जो है एडमिशन की फी भी कट जाती है, आपका पेमेंट भी कट हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके आपका एडमिशन नहीं हो पाता किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो अच्छा होगा जब आप इस एडमिशन को कराएं तो किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही कराएं जो सही तरीके से आपके एडमिशन को करें। और एडमिशन लेने के बाद भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, लाइक उनको पता नहीं रहता असाइनमेंट कब बनाने हैं, कब सबमिट करने हैं, प्रैक्टिकल्स कब बनेंगे, कैसे देने हैं, एग्जाम फीस के टाइम पर उनको पता नहीं चलता, जिस वजह से वो एग्जाम ही नहीं दे पाते। तो क्योंकि एनआईएस बोर्ड के बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते, सो दैट उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से एडमिशन लेने के बाद भी उनका साल खराब हो जाता है। सो अच्छा होगा आप किसी ट्रस्टेबल इंसान से ही अपना एडमिशन कन्फर्म कराएं, जिसको एक्सपीरियंस हो और जो आपको बाद का भी सारा प्रोसेस बताता रहे। तो अगर आप चाहें तो हमारे थ्रू भी अपना एडमिशन करा सकते हैं, हजारों बच्चे हमारे थ्रू अपना एडमिशन कराते हैं और सक्सेसफुल तरीके से वो पास भी होते हैं, ठीक है। तो हम आपका एडमिशन करेंगे प्रॉपर तरीके से,
जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके एडमिशन को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, और एडमिशन लेने से लेकर के आपका एग्जाम होने तक, रिजल्ट डिक्लेयर होने तक आपको एक कंसल्टेंट भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपको सारी की सारी चीजें टाइम टू टाइम बताता है, कब आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कब प्रैक्टिकल बनाने हैं, कब आपको एग्जाम फीस देनी है। इनफैक्ट आपको प्रैक्टिकल एंड यू नो असाइनमेंट के सोल्यूशन भी हम देते हैं, जिससे आपको उनके सोल्यूशन के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ए टू जेड सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट फर्स्टली वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। क्लास 10th एंड 12th के ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। क्लास 10th के लिए आपको जो है टीसी लगेगी 8th या फिर 9th की, पास या फिर फेल की, और इसके अलावा आधार कार्ड। तो ये दो डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर, नंबर आपको यहीं पर शो हो रहा होगा 7303838500। और क्लास 12th के लिए आप जो है अपनी क्लास 10th की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड भेजिए, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस देन स्टार्ट कर देंगे। सारी चीजें और डिटेल में आपको बताई जाएगी, इस नंबर को आप सेव करके रख सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू, और भरोसे के साथ जेन्युइन तरीके से आपका एडमिशन होता है। हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं यहां से, और बिल्कुल अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ ट्रस्ट के साथ, क्योंकि हमें पता है जब कोई बच्चा पेमेंट करता है तो उसका भरोसा बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसी भरोसे को हम बना करके रखते हैं। तो काफी सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद जो है अच्छा फीडबैक उनका रहता है, और सक्सेसफुल तरीके से वो पास भी होते हैं। सो अगर आप चाहें तो हमारे थ्रू एडमिशन करा सकते हैं। चलिए, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।